हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ व्हिच शोज अ ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम फॉर अ गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो यहाँ पे हमें बेसिकली बॉयल्स लॉ के रिस्पेक्ट में पूछा है कौन कौन सा ग्राफ सही है, और प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम वाले ग्राफ दिए हुए, और कौन सा मतलब प्लॉट हम यहाँ पे ऑप्शन में सही किया हुआ है। सबसे पहला चीज जो मैं लिखना चाहता हूँ वो होगा आपका की कंसेप्ट जो हम लिख सकते हैं वो होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड देयर ग्राफ। तो ये आपका की कंसेप्ट हो गया। अब इसमें क्या है कि हमें अलग अलग चीजें नोटिस करना होगा एंड देयर ग्राफ्स, पी वर्सेस वी। अब बॉयल्स लॉ की क्या स्टेटमेंट जो होता है वो हम पहले लिख लेते हैं, पी वी बराबर कॉन्स्टेंट बराबर के लिख देते हैं, कॉन्स्टेंट ऐसे लिखते ताकि, तो ठीक है, ये आपका हो गया स्टेटमेंट बॉयल्स लॉ का अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ये स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ का। अब पीवी बराबर के दैट इज कॉन्स्टेंट, दैट इज पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब क्या लिख सकते हैं हम पी, अगर लिखेंगे पी और वी के बीच में, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी अगर है तो हम यहाँ पे उसका जो एक्सप्रेशन है वो भी हम लिख सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में, मतलब पी और वी का ग्राफ बना सकते हैं, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एक आप, मैं चाहता हूँ आप ऑप्शन से देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है पी इज बेसिकली कॉन्स्टेंट, ये वाला तो कतई नहीं होगा क्योंकि पी इनवर्सली अगर वी है तो कुछ हाइपरबोलिक टाइप का कुछ सिस्टम हमें पता है होता है इसमें, तो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो और भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर सी और डी में देखेंगे तो ये मतलब दो पॉसिबिलिटीज है, ये वाला और ये वाला, सी और डी, तो ये हो सकता है। तो इस पे हमें अब फोकस करना होगा सी और डी में, मतलब ऐसा ही हाइपरबोलिक ग्राफ होगा, हाइपरबोलिक ग्राफ, ठीक है, ये आपका ऐसा ग्राफ होगा। अब नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज में हम जो लिख सकते हैं वो होगा आपका जो मेन ग्राफ होगा। अब हमें पता है अगर ग्राफ उसका बेसिक्स ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाई एक्सिस पे प्रेशर और सिमिलरली एक्स एक्सिस पे आपका वी। अब जो हाइपरबोलिक होता है वैसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक और हो गया, और ये एक और एक प्लॉट हो गया। अब अगर हम मूव करेंगे, सपोज ये तीन पॉइंट्स हो गए, हम प्लॉट कर रहे हैं ऐसे, ये बी ए ए और ये ए बी सी, ऐसे हम पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं। और अगर हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन पे हम अगर ये पी ए और उसके ही इक्विवेलेंट वी ए और पी बी उसके ही इक्विवेलेंट वी बी, ठीक है, वी बी वी ए इसके इक्विवेलेंट पी ए और इसके इक्विवेलेंट पी बी, ठीक है। सो ये आपके पॉइंट्स हो गए जिस पे हमें फोकस करना होगा, ठीक है। अब देखिए आपको जो मेन फंडा यहाँ पर यूज करना होगा वो और एक फंडा जो हम लिख सकते हैं, अगर प्रूफ के हिसाब से देखेंगे, पी वी बराबर एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में हम, हमें पता है कि टी प्रोपोर्शनल टू पी वी होगा, ये एक पॉइंट हो गया, टी प्रोपोर्शनल टू पी वी। अब अगर हम पी ए और वी बी, अब एक दो चीज हम पता है कि पी वी ग्रेटर देन पी ए, पी ए एंड ऑब्वियसली वी बी ग्रेटर देन वी ए। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आई एल एच एस और आर एच एस को, दैट इज पी बी वी बी बड़ा इज ग्रेटर देन पी ए वी ए। अब क्योंकि हमें पता है, ऐसे मार्क कर लेते हैं, जैसे
प्रूफ में हम मार्क करते हैं, ये टू हो गया, नहीं वन ही मार्क करते हो, टू कहां से आ जाएगा पहले से ही वन। देयरफॉर टीबी ग्रेटर देन टीए, ये कहां से आ गया, फ्रॉम वन। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन हो गया टीबी ग्रेटर देन टीए। तो जैसे यहां से एक इंटरप्रिटेशन हम निकाल सकते हैं, एज वी गो ऑन अलोंग अ लाइन सपोज y इज इक्वल टू mx, हम जैसे ही इस लाइन के बराबर मूव कर रहे हैं, ऐसे अगर मैं थोड़ा शेडेड कर देता हूँ, ऐसे जैसे ही मूव कर रहे t बढ़ रहा है, मतलब जैसे ऊपर वाले ग्राफ जा रहे हैं जो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है उसमें t ज्यादा होगा। जैसे इसमें अगर कौन कौन से पॉइंट दिए हुए थे, 200 400 600 दिए हुए थे ना, इस हिसाब से ये 600 के वाला होगा, इस हिसाब से ये 400 के वाला होगा, 200 के वाला है। एज वी गो अवे फ्रॉम द ओरिजिन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, आप ऐसे बोल सकते हैं अलोंग दिस लाइन जो हम जनरली ड्रॉ करते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन जो होगा 200 400 600 वाला। सो द करेक्ट सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।